स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पे बात करने जा रहे हैं, जो है राजद्रोह बनाम देशद्रोह का। आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और इस विंटर सेशन में राजद्रोह से संबंधित जो 150 साल पुराना कानून था अंग्रेजों के ज़माने का, उसका नाम परिवर्तित करके देशद्रोह कर दिया गया है। और इसके साथ ही तीन महत्वपूर्ण विधेयक लाए गए हैं जो भारत में आपराधिक कानून को बेहतर तरीके से आज़ादी के बाद भारतीय अनुरूप में ढालने का एक प्रयास है, जिसमें मॉब लिंचिंग को भी बहुत प्रमुखता से शामिल किया गया है। उसमें फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो आइए समझते हैं यह पूरा मुद्दा क्या है और क्या है राजद्रोह का इतिहास। चर्चा में बना हुआ है क्योंकि लोकसभा ने औपनिवेशिक काल से चले आ रहे तीन आपराधिक कानूनों के स्थान पर नए कानून पारित कर दिए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 सम्मिलित हैं। इन्हीं विधेयकों में से एक है जो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। इसी में पूर्व से चले आ रहे आईपीसी की धारा 124 ए के नाम को परिवर्तित करके राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह कर दिया गया है। तो आज पूरी बात हम करेंगे इसी पर, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या है राजद्रोह का मुद्दा, इसका इतिहास क्या रहा है, कब कब प्रयोग किया गया रहा है और कौन कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन पर ये सेडिशन लॉ लगाया गया था। सिलेबस से कैसे जुड़ा हुआ है, तो जीएस पेपर 2 में संविधान और कानून से संबंधित प्रश्न आते हैं तब आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसलिए 2024 की मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो पूरी नज़र बनाए रखिएगा, बारीकी के साथ कंटेंट को नोट करते चलिएगा और मेरी बातों को समझते चलिएगा। स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट पोर्शन तक ये वीडियो ज़रूर देखिए और कोशिश करिए कि एक दो बार आप ज़रूर इस वीडियो को देख लें और अपने नोट्स बना लें। चलिए बिटवीन द लाइन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर कानून के बदलाव की हो रही है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कानून की ज़रूरत ही क्यों है। तो कोई भी राज्य हो, स्थान हो, क्षेत्र हो और राष्ट्र हो, उसमें शांति व्यवस्था को अगर मजबूत बनाए रखना है तो एक कानून और नियम होना चाहिए। क्योंकि बिना कानूनों के, यानी बिना नैतिक मूल्यों के, क्योंकि कानून नैतिक मूल्य भी क्या है, कानून की तरह से है। जैसे दुराचार करना, किसी के प्रति अपराध करना, पड़ोसी को मार करके आ जाने से परिवार क्या करता है, कहता है बेटा ये काम आपने अच्छा नहीं किया है, ये गलत काम है, पाप है। तो ये पाप की संकल्पना क्या है, ये कानून की तरह से है जो हमें रोक रही है गलत कृत्य करने से। ऐसे ही कानून जो होते हैं अपराधों को कम करने के साथ ही आम आदमी को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और न्याय प्रदान करते हैं। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी को अपशब्द बोलने लगें, किसी की अवमानना करने लगें, किसी दूसरे के अधिकार को छीनने लगें, तो तुरंत भारत का संविधान खड़ा हो जाता है और आर्टिकल 19 के ही सब क्लॉज 2 में दे देता है आपको कि आपको क्या करना है, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना होती हो। यानी भारत में जो मौलिक अधिकार भी मिले हुए हैं उन पर भी युक्ति युक्ति निर्बंधन है, समय समय पर उसे वापस लिया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का संविधान एक हाथ से कुछ अधिकार देता है तो दूसरे हाथ से छीन लेता है। कब, जब राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता पे कोई ठेस पहुंचा रहा हो, कहीं शांति व्यवस्था पे ठेस पहुंचा रहा हो, विदेशी राज्यों के साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको प्रभाव कर रहा हो, तो हम मौलिक अधिकारों पे रोक लगा सकते हैं। ये सरकार कहती है संविधान के तहत। तो कानून क्या है, किसी भी कृत्य में अनैतिक, अमानवीय तथा असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए आवश्यक हो जाती है। अब बात आती है इस राजद्रोह कानून के इतिहास की। तो यह कानून सबसे पहले इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में लागू होता है और 19वीं शताब्दी में भारत में आ जाता है। आया कैसे, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बोलने वाले तथा राजशाही के प्रति अपशब्द कहे जाने वाले लोगों को रोकने का एक कुत्सित प्रयास था।
और इसकी शुरुआत भारत में हुई लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसके शासनकाल में 1833 का चार्टर एक्ट आया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और इसी के शासनकाल में इसके केंद्रीय परिषद जो होती थी दिल्ली में वो क्या किया जा रहा है सॉरी दिल्ली में बोल रहा हूँ, केंद्रीय परिषद जो गठित हुई थी उस केंद्रीय परिषद में क्या किया गया आपका एक विधि सदस्य को जोड़ा गया और यह विधि सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ कि फाइनली 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू हुई, इंडियन पिनल कोड। परंतु उसे उस समय राजद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124 इसमें सम्मिलित नहीं थी। बाद में 1870 में जाकर के एक जेम्स स्टीफन कमेटी बनाई गई और इसने सिफारिश की कि राजद्रोह से संबंधित भी एक प्रावधान किया जाना चाहिए। तब इसमें संशोधन करके आर्टिकल 124A डाला गया और इसी में आर्टिकल 124 BC करके है, ठीक है। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना था तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष को किसी भी क्रियाकलाप को कुचल देना था, यानी कोई भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा सके। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी आईपीसी की धारा 124A बनी रही, परंतु इसमें कुछ संशोधन किया गया, जैसे किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में जब कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति बोल करके, लिख करके, इशारों से, दृश्यों से घृणा किया जाए, अपमान किया जाए और आम जनमानस में उत्तेजना भड़का करके हिंसा हिंसक प्रवृत्ति अपनाई जाए, तब ऐसा कोई प्रयत्न करता है कोई व्यक्ति, समूह या संगठन, तो उस पे राजद्रोह लगेगा। और राजद्रोह क्या था, हालांकि इस धारा के तहत एक प्रावधान यह कर दिया गया कि घृणा और अवमानना फैलाने की कोशिश किए बगैर अगर सरकार की रचनात्मक आलोचना की जा रही है तो इसको राजद्रोह के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। तो भैया राजद्रोह के तहत अपराध के लिए दंड क्या दिए जाते थे अब तक, तो आईपीसी की धारा 124A के तहत यह गैर जमानती अपराध था। एक बार अगर इसके ऊपर किसी का सेडिशन लॉ लग गया, राजद्रोह कानून, तो उसको जमानत बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी, या फिर कहिए कि गैर जमानती का मतलब कि जमानत मिल ही नहीं सकती है। इसके लिए 3 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान था और जुर्माना भी देना पड़ सकता था। इस कानून के तहत आरोपी पाए गए व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। इसीलिए अक्सर आप यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान, सिविल सेवा की तैयारी करने के दौरान सुनते होंगे कि आपको एफआईआर से बचना है, आपके ऊपर कोई भी ऐसे एलिगेशन नहीं लगने चाहिए, आपका पासपोर्ट जब्त हो सकता है, आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके भेजा जा सकता है जेल। राजद्रोह का ही मुकदमा अभी झेल रहे हैं आपके मनीष कश्यप साहब, जो सच तक न्यूज थी बिहार की। राजद्रोह का प्रयोग सर्वप्रथम किन भारतीयों पर किया गया भैया, तो जैसे ही ये राजद्रोह कानून सम्मिलित हुआ 1870 में जेम्स स्टीफन की सिफारिश के बाद इंडियन पिनल कोड में, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में इसे लगाया गया था। और क्यों लगाया गया था, क्योंकि मराठा पत्रिका में उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ उत्तेजक लेख लिखे थे। इसके बाद 1922 में असहयोग आंदोलन की वजह से जो असंतोष उपजा, जो हिंसक प्रवृत्ति लोगों ने अपनाई, और तो महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा था, पहाड़ों से बड़ी मुझसे भूल हुई है। और फिर अंग्रेज सरकार ने भी इन पर राजद्रोह कानून लगाया था। उसके साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह के खिलाफ भी इस कानून का प्रयोग पहले किया जा चुका है। राजद्रोह कानून का महत्व क्या है भैया, आखिर क्यों जरूरत है किसी राष्ट्र को राजद्रोह जैसे कानून की, तो राजद्रोह कानून के तहत सरकार को कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि करे, अलगाववादी प्रवृत्ति रख रहा है, आतंकवादी विचारधारा रख करके देश के समाज को, लोगों को, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना चाह रहा है, तो उसको रोकने के लिए कोई तो कठोरतम कानून होना चाहिए जो राजद्रोह हो। जैसे आप एक परिवार में देखते हैं कि क्या होता है, परिवार के खिलाफ कोई बहुत गलत कृत्य करता है तो उसको परिवार से बहिष्कृत किया जाता है, समाज से बहिष्कृत किया जाता है, तो ये क्या है, वैसे राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करे तो उसको बहिष्कृत किया जाना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, तो राजद्रोह कानून इसलिए बेहतर था। किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, शांति व्यवस्था, सार्वजनिक संपत्ति आदि बचे रहने चाहिए, इसलिए किसी राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई ऐसा कृत्य करे तो उस पर ऐसे कानून की आवश्यकता तो हो।
हो जाती है। फिर निर्वाचित सरकार को कोई अवैध तरीके से गिराने का प्रयास करे, खरीद फरोख्त करे, ठीक है, लालच देने का प्रयास करे, तो ये क्या है, अपने आप में एक निर्वाचित सरकार के ऊपर अवैध रूप से हमला है। तो सरकार इस कानून का प्रयोग करके उसे रोक सकती है। भारत में आज भी उत्तर पूर्वी राज्यों में देख लीजिए किस प्रकार से अलगाववादी और उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए कई सारे ऐसे सिमी जो संगठन था उसमें लोग कई लोग आईएसआईएस से जुड़ रहे थे। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों के लिए जो भारत में आज भी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, तो ऐसे कानून की तो आवश्यकता है ही है। लेकिन इसकी आलोचना आखिर क्यों हो रही है भैया, क्यों होती आई है आज तक आलोचना? तो भैया कई राजनीतिक पार्टियां और कानून विशेषज्ञों का मानना था कि राजद्रोह कानून सरकार के प्रति अगर कोई असहमति की आवाज उठाता है तो उसको दबाने का एक साधन समझा जाने लगा था। यानी कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कोई बात कर रहा है, जनता को संदेश दे रहा है कि सरकार ये काम गलत कर रही है, तो उस पर किसी भी प्रकार से राजद्रोह कानून का प्रयोग करके जेल में डाल दिया जा रहा है, ऐसा मानना है कुछ विशेषज्ञों का। क्योंकि अक्सर ऐसे मामले प्रकाश में आते रहे हैं जिसमें राजद्रोह के कानून के तहत क्या हुआ है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, लंबे समय तक जेल में रखा गया, एक के बाद तारीख पे तारीख पड़ती रही, और अंततः जब फैसला आया तो पता चला कि उनका कोई दोष था ही नहीं, दोष मुक्त करना पड़ा। तो जितने वर्ष जेल में उनके बर्बाद हो गए वो उनको कौन लौटाएगा इस कानून के तहत, कौन लौटाएगा? फिर जैसे उदाहरण भी तो हम देंगे ना कि अगर इसका प्रयोग हो रहा है और इसके दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं तो भैया उसका प्रमाण क्या है? तो खुद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो गृह मंत्रालय के तहत एक डिपार्टमेंट है, एक अलग से ब्यूरो बनाया गया है अपराध रिकॉर्ड करने के लिए, वह कहता है कि 2015 से 2020 के बीच में 356 मामले दर्ज किए गए, 548 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, परंतु राजद्रोह के सात मामलों में जितने लोग गिरफ्तार किए गए उनमें 12 लोगों को ही 6 साल की अवधि में दोषी करार पाया गया। 6 साल की अवधि में दोषी करार पाया गया है, इतना लंबा समय। फिर पिछले वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की और उस पर निर्देश दिया कि जब तक सरकार इस कानून पर विचार नहीं कर लेती और हम कोई फैसला नहीं सुना देते तब तक राजद्रोह कानून का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा और जो भी ट्रायल चल रहे थे उनको अभी रोका जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी मानना था कि राजद्रोह के मामले को अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार होना चाहिए और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार के तहत देखा जाना चाहिए। तो हम इसकी जांच करेंगे, अभी भी यह मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही संसद में यह कानून आ गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने भी कहा था सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, महान्यायवादी के जो बियॉन्ड होते हैं, कि हम केंद्र सरकार जो है इस पे काम कर रही है और वो जल्द ही इस कानून को लेकर चिंतित है, समाप्त करना चाहती है। तो अब उसको समाप्त किया जा रहा है और परिवर्तित करके देशद्रोह में बदला जा रहा है। राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का 1962 का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए, आपको कोट करना होगा अपने मेंस एग्जामिनेशन में अगर इस पे प्रश्न आ जाता है। राजद्रोह कानून के मसले पर क्या हुआ, 1962 में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई और अहम फैसला आया और वह केस था केदारनाथ सिंह बनाम बिहार मामला। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस केस को लिख लीजिएगा, राजद्रोह से संबंधित केदारनाथ सिंह बनाम बिहार मामला। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा जो है 124A इसको वैध माना, बरकरार रखा, लेकिन कहा कि इसमें हम कुछ सीमाएं लगा रहे हैं और कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ सरकार की आलोचना करने पर राजद्रोह कानून का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिस मामले में यदि भाषण या लेख का मकसद सीधे सीधे सरकार और देश के प्रति हिंसा भड़काना हो उसी के आधार पर फिर इस अपराध के लिए हम राजद्रोह कानून का प्रयोग कर सकते हैं। तो भैया संविधान सभा क्या सोचती थी राजद्रोह कानून पर, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के जमाने से चलते चला आ रहा था। तो संविधान सभा का भी मानना था कि राजद्रोह को संविधान में नहीं शामिल करना चाहिए किसी धारा में, वरना क्या होगा, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध की तरह हो जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि लोगों के विरोध के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों का दमन हो जाएगा, क्योंकि संगठन बनाने का अधिकार भी है ना, अपनी बात रखने का भी अधिकार आर्टिकल 19 में है। तो यह राजद्रोह कानून क्या होगा, एक दुरुपयोग का हथियार बन जाएगा। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के पारित होने के बाद इस कानून में क्या परिवर्तन होने जा रहा है भैया,
तो सर्वप्रथम भारत के गृह मंत्री ने जो बात कही वह सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता का जो नाम है, उद्देश्य है, वो अपने आप में विभत्स था, बुरा था, क्योंकि इसमें दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता, यानी इसका लक्ष्य ही था दंड देना, परंतु इसका नाम अपरिवर्तित करते करके क्या किया गया है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, यानी अब इसका नाम होगा आपका BNS, BNS कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता, और इसका उद्देश्य नागरिकों को न्याय देना है, ना कि केवल दंड देना। इस संहिता के तहत धारा 124A में क्या सम्मिलित था भैया, जिसका नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया है, देशद्रोह कर दिया गया है, जो कि राजद्रोह था। इस धारा में उल्लेखित अवमानना की जगह, कि जो अवमानना करे उसकी जगह कर दिया गया कि कोई विध्वंसक या हिंसक तरीके का प्रयोग करता है तब सरकार उसके खिलाफ राजद्रोह की श्रेणी से बाहर, तब सरकार उसके खिलाफ क्या लगाएगी, देशद्रोह लगाएगी। और सरकार के खिलाफ अगर कोई नॉर्मल कृत्य करता है, कोई बस उनकी आलोचना कर रहा है रचनात्मक, तो ऐसे कृत्य को इससे दूर रखा गया है, और राजद्रोह को पूरी तरह से शब्द को बाहर कर दिया गया है। यानी अब देश के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह लगेगा। नए कानून के तहत भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले पर ही इस धारा का प्रयोग किया जाएगा। शासन की अवमानना शब्द की जगह अब कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधि, अलगाववादी गतिविधि शब्द को शामिल किया गया है। अब इसमें आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दिया गया है, क्योंकि नया कानून भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, और इसे कोई तोड़ने का प्रयास करे तो उसे आजीवन कारावास तो जरूर मिलना चाहिए। तो भैया निष्कर्ष और आगे की राह क्या होनी चाहिए, तो बड़ा मार्मिक निष्कर्ष देने का प्रयास कर रहा हूं, सोचिएगा इस विषय पे आप, कि राजद्रोह शब्द में औपनिवेशिकता झलकती थी, परंतु वर्तमान में देशद्रोह शब्दावली का प्रयोग भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता तथा पंथ निरपेक्षता है, ये इसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा पंथ निरपेक्षता है, इसको सही कर लेते हैं, यहां है पंथ निरपेक्षता आदि के तहत काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और किसी को भी भारत की संप्रभुता और एकता से समझौता करने नहीं दिया जा सकता। लेकिन देशद्रोह कानून का प्रयोग पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्ष हो, और इसके लिए ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि सभी को विश्वास हो कि हम अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, रचनात्मक रूप से सरकार की आलोचना कर रहे हैं, और जो कि मेरा अधिकार है, क्योंकि जनता भी तो विपक्ष की तरह होती है, अगर कोई सरकार गलत कृत्य कर रही है तो क्या करती है, अगले साल चुनाव में हराती है। तो ऐसा ना हो कि भले नाम परिवर्तित कर दिया गया है राजद्रोह की जगह देशद्रोह, लेकिन ये देशद्रोह क्या हो जाए, राजद्रोह 2.0 में परिवर्तित हो जाए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बहुत संतुलित व्यवहार के तहत विशेष जांच करके, परख करके कि इस व्यक्ति ने सच में देशद्रोह किया है कि नहीं किया है, तब इस कानून का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी यह जानकारी आपको, रिजल्ट मित्रा के इस प्लेटफॉर्म से बताना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे नवाज सर के साथ ऐसी ही वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब।